नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को वाइडर हिप्स एक्सरसाइज बताऊंगा, यानी कि हिप्स को वाइड करने की एक्सरसाइज बताऊंगा, और ये एक डिमांड पर बनाया गया वीडियो है। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वाइडर हिप्स के लिए यूज़ की जाती हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है फायर हाइड्रेंट विद बैक किक। इस एक्सरसाइज को करना भी आसान है। टेबल टॉप पोजीशन में आप लोगों को रहना है और 40 सेकंड्स तक ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अपने लेग्स को आप लोग जो हैं फायर हाइड्रेंट की पोजीशन पर ले जाएं, यानी कि लेटरल आप लोग जो हैं उसे रेज करें, थोड़ा सा उठाएं। घुटना आप लोगों का मुड़ा हुआ होगा, उसके बाद में आप लोग नॉर्मल पोजिशन में दोबारा आएँ और उसके बाद में बैक किक लगाएं। तो ये आप लोगों को कितने सेकंड्स तक करना है, 40 सेकंड्स तक करना है। इससे करने से आप लोगों के जो हिप्स हैं वो वाइडर होंगे, ग्लूट्स मजबूत होंगे, ग्लूट्स की जो मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स है वो टोंड होगी और काम करेगी। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो आप लोग देख सकते हैं, फायर हाइड्रेंट विद बैक किक राइट लेग के साथ करनी है। लेकिन आप लोगों को हर एक एक्सरसाइज के बीच में 10 सेकंड का गैप दिया जाएगा। तो दूसरी एक्सरसाइज कर लीजिए और आप लोगों को पता भी लग गया कि कौन सी एक्सरसाइज है, फायर हाइड्रेंट विद बैक किक राइट लेग के साथ करनी है। और जैसा कि आप लोगों को हमेशा मैं आप लोगों को कहता आया हूँ, जो आप लोग लेफ्ट लेग के साथ करें वही आप लोग एक्सरसाइज जो है वो राइट लेग के साथ भी करें। तो 40 सेकंड्स हम लोगों ने लेफ्ट लेग के साथ फायर हाइड्रेंट विद बैक किक किया था, वही आप लोगों को राइट लेग के साथ भी करनी है। तो जैसे मैंने कहा कि मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स जो है वो इससे टोंड होती है, इंगेज रहती है आप लोगों की ग्लूट्स की मसल्स, तो आप लोगों को एक हिप्स का जो शेप है वो आप लोगों को प्रॉपर इससे मिल जाता है। तो आप लोग सुबह उठकर भी अगर करेंगे या शाम को भी करेंगे तो भी आप लोगों को फायदा होगा। तो तीसरी एक्सरसाइज में जाने से पहले आप लोग जो है थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट जरूरी है आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों को पता है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है लेटरल स्क्वाट। लेटरल स्क्वाट में आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी है, आप लोगों के दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के सामने रहने चाहिए। और अब आप लोगों को क्या करना है, एक पैर की ओर पूरा झुक जाना है। जिस पैर की ओर आप लोग पूरा झुकेंगे उसका जो घुटना है वो मुड़ जाएगा, और जो दूसरा पैर है वो एकदम स्ट्रेट पोजीशन पे आप लोगों का रहेगा। इसका मतलब है कि आप लोगों को एक खड़े होकर दोनों पैरों के बीच में एक अच्छा सा गैप जो है वो उसमें मेंटेन रखना है। और अब आप लोगों को एक पैर की ओर झुकना है, उसके बाद में खड़े होकर दूसरे पैर की ओर झुकना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेटरल स्क्वाट में सावधानी रखने की ज़रूरत है कि अगर आप लोगों को कहीं घुटने में दर्द हो और या पहले से कोई इंजरी हो, किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। चौथी एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, ले लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, 10 सेकंड का रेस्ट है, आराम कर लीजिए, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि साइड लेग रेज। साइड लेग रेज में आप लोगों को क्या करना है, एक हिप्स के बेस पर आप लोगों को जो है करवट बदल कर आप लोगों को रहना है, और दोनों हाथ जो हैं आप लोगों के मैट पर रहेंगे। अब आप लोगों को एक लेग को पूरा का पूरा उठाना है, ऊपर की ओर उठाना है, यानी कि 60 डिग्री आप लोगों को उठाना है। दूसरा पैर जो है जो नीचे की पोजीशन पर रहेगा वो कांस्टेंट पोजीशन पर रहेगा, तो इसे साइड लेग रेज हम लोग बोलते हैं, और इसे आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करना है। तो इससे आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो मजबूत बनेंगे, टोंड बनेंगे, मसल्स मास भी बढ़ेगा। तो मसल्स मास बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाहरी फैट है वो तो गायब हो जाएगा, और वाइडर हिप्स में आप लोगों को मदद मिलेगी। अगर जिन लोगों के हिप्स जो है वो बहुत कम है तो उनमें आप लोगों को मदद मिलेगी। अब यही एक्सरसाइज आप लोगों को राइट लेग के साथ करना है, लेकिन दोनों के बीच में आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड का रेस्ट, और वो 10 सेकंड रेस्ट पूरा होने के बाद आप लोगों को साइड लेग रेज जो है वो राइट लेग के साथ आप लोगों को करनी है। और ये फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज है, और ये भी आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करनी है। और इसका एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं कि ग्लूट्स जो हैं कितने इंगेज इससे रहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे कि जो लेग है वो अगर आप लोग प्रॉपर ऊपर की ओर दिशा में उठाते हैं तो इससे क्या होगा कि जो ग्लूट्स हैं वहाँ की जो मसल्स हैं वो काम करना स्टार्ट कर देगी, और जब वो इंगेज रहना स्टार्ट कर देगी, और या हम लोग कहें कि वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी, तो वहाँ की मसल्स जो है वो आप लोगों की खिंचाव महसूस करेगी और मसल्स मास बनाना स्टार्ट कर देगी। तो वहाँ पर हिप्स जो है अपना जो एरिया है वो बढ़ा लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट 10 सेकंड का, और उसके बाद में हम लोग चलते हैं साइड प्लैंक लेग रेज की तरफ, और ये नंबर छठी एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करना है। साइड प्लैंक और साइड लेग रेज में एक अंतर है। अगर आप लोग देखें तो साइड लेग रेज में आप लोगों को सिंपल पूरा का पूरा एक करवट के बेस पर ही लेट जाना होता है मैट के ऊपर, लेकिन साइड प्लैंक लेग रेज में आप लोगों को कोहनी के बेस पर आप लोगों को रहना है, यानी कि
अगर ये राइट साइड की कोहनी है तो आप लोगों को जो अपना हाथ है राइट साइड वाला उसकी कोहनी को नीचे रखते हुए एक घुटने के बेस पर और कोहनी के बेस पर आप लोगों को इसमें रहना है। दूसरा लेग आप लोगों को सिमिलर पोजीशन पर आप लोगों को उठाना है और हाथ जो है दूसरा यानी कि उल्टा हाथ आप लोगों का कमर पर रहना चाहिए, जिस पैर को आप लोग उठा रहे हैं उसी पैर के ऊपर। तो अब ये एक्सरसाइज पूरी होती है, अब आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड का रेस्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों की साइड प्लैंक लेग रेज राइट लेग के साथ। अब यही एक्सरसाइज आप लोगों को राइट लेग के साथ करनी है, साइड प्लैंक लेग रेज राइट साइड, और ये 40 सेकंड्स तक आप लोगों को करनी है। इसमें आप लोगों की एक कोहनी के बेस पर आप लोगों को रहना है, दूसरा हाथ जो सीधा हाथ है वो आप लोगों को कमर पर रखना है और एक पैर को हवा में आप लोगों को उठाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो अधिक काम करेगी, आप लोगों की एब्स मसल्स काम करेगी, आप लोगों की जो टारगेट मसल्स है वो आप लोगों की आर्म्स मसल्स रहेगी, आप लोगों की जो एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स हैं वो भी आप लोगों की काम करेगी और थाइज मसल्स भी काम करेगी और ग्लूट्स भी काम करेंगे। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले आप लोगों को मिल जाता है 10 सेकंड का रेस्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है स्कैटर टैप। स्कैटर टैप का मतलब है स्कैटर वॉक करके आप लोगों को क्या करना है, टैप करना है नीचे, और ये 8वें नंबर की एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करना है। इससे आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों का जो ग्लूट्स है वो कितना एक्टिवेट होता है वो देखिए। जब आप लोग स्कैटर वॉक करते हैं तो एक पैर दूसरे पैर के जस्ट अपोजिट साइड में जाता है, तो आप लोगों को एक जो शेप आप लोगों को मिलनी चाहिए ग्लूट्स की वो आप लोगों को इस एक्सरसाइज में मिलती है, ठीक है। तो एक शेप होती है जैसे कि वाइडर हिप्स की जो शेप होती है वो आप लोगों को मिलती है। तो स्कैटर टैप ज़रूर कीजिएगा 40 सेकंड्स के लिए ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज में एक कार्डियो भी मिल सके, एक्सरसाइज में जो टारगेट मसल्स है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स और ग्लूट मसल्स भी टोन हो सके। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले फिर से हम लोग ले लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में हम लोग चलते हैं स्क्वाट विद साइड किक के साथ 40 सेकंड। स्क्वाट विद साइड किक जो है वो 9वें नंबर की एक्सरसाइज है और इसमें आप लोगों को क्या करना है, स्क्वाट पोजिशन लेनी है और साइड में किक लगानी है खड़े होकर। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को कितने सेकंड तक के लिए करनी है, 40 सेकंड्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये सभी एक्सरसाइज अगर आप लोग सुबह करते हैं तो भी अच्छा है, लो इम्पैक्ट सभी एक्सरसाइजेस हैं। इसमें कोई आप लोगों को जंप नहीं लगाना है, कोई भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है और सिंपल सी एक्सरसाइज है जिससे आप लोगों जो वाइडर हिप्स जो लोग चाहते थे, गुड लुकिंग हिप्स जो है आप लोग चाहते हैं, तो ये सभी एक्सरसाइज आप लोग कहीं भी कभी भी कर सकते हैं और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसका असर आप लोगों के वाइडर हिप्स पर ज़रूर पड़ेगा। हिप्स को सुंदर बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ की सभी वीडियोज़ आप लोग देखिए, इन्जॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।